नमस्कार दोस्तों, तो सबको मेरा नमस्कार है। और आप लोग को मैं क्या बताऊं, आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं और वही आनंद मुझे वीडियो बनाने में बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। और आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, और आप लोग देख रहे हैं, और ज़्यादातर ज़्यादा लोगों को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो कॉन्टेंट है, आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ जो मेरा बचपन में मिला हुआ जो बुजुर्ग लोग है, उस वक्त जब मिले थे माम 30 साल 35 साल पहले जिसको मिले थे, वो लोग पूरा स्ट्रांग थे, यंग थे। और अभी जो मिलने जा रहे हैं वो लोग अभी बूढ़ा हो चुके हैं। वो लोग से मिलके थोड़ा मन को तसल्ली दे, उन लोग को भी आनंद दे, मैं भी आनंद लूं। और ये देखिए साथ में मैं और मेरा बेटी दोनों निकल पड़े हैं, उन लोग से मिलेंगे और बहुत मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, उन लोग को भी हंसाएंगे, थोड़ा मन में आनंद देंगे। तो दोस्तों ऐसा करने से बहुत ही मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी ही जीने का एक साहस देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। म चिनाउँछु तपाईँले, चिन्नु भएन? म मिलन। तो नमस्ते नमस्ते, तो बहुत साल बाद आपसे भेट करने आया। तो आप कैसे हैं? आपको भेट करने का बहुत ही इच्छा था मेरा। तो ये मेरा नानी है। आपने बॉस को तो हलो एकम 81। अच्छा, ये माँ जी का उम्र अभी 81 है, फिर भी हट्टा कट्टा है, पका भी लेते हैं खाना होना। हाँ बढ़िया। तो ऐसा ही बहुत स्ट्रांग माइंड से जिए और 20-25 साल रहिए हम लोग के साथ, मस्ती कीजिए, दुनिया का जो एक मजा जो है उसका आनंद उठाइए। बेटा बेटी तो है ये है। तो हम बचपन से ही ये इनसे पहचान, जान पहचान है। बचपन में आया करते थे, एक साथ बैठा करते थे, खाना उना खाते थे। तो मेरा एक दोस्त है जो चंद्र बोल के, वो अभी डिब्रूगढ़ में रहते हैं, टी स्टेट में। तो उसी के जरिए मेरा जान पहचान है, 1990 साल से जान पहचान है, और करीबन अभी 30-35 साल हो गया है। और मैं भी बच्चा था उस टाइम में, तो इन लोगों से मिलने के लिए आता था। तो और आज अभी बहुत साल बाद आए हैं, तो ये माँ जी से भेंट करके बहुत ही अच्छा लगा। तो माँ जी आप भी तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे तो है, अभी थोड़ा बीमार भी है ना। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बीमार है। तो ये माँ जी देखिए अभी भी बहुत ही मस्ती से आनंद से जीते हैं। तो बोलो नमस्ते। और ये माँ जी का नातिन है, बैठिए। जब छोटा छोटा थे तो हम लोग आया करते थे, ये मेरा बेटी जैसा था उस वक्त हम मिलते थे। तो मुझे पहचाना? मिलंदा। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। तो चिन्ह भा मलाई ठीक है, मामासी तो भेट घर ना आको, तो भेट घर रहते से म आनंद दीने तो आनंद लीने तो एउटा विचार छ मेरो। तो उन्दर अहिले तो घरमा बसी बसी टाइम पास गर्न पर्छ, त पुराना मान्छे भेट भयो भने मनमा आनन्द लाग्छ कि लाग्दैन? हाँ, मनमा एउटा खुसी लाग्छ नि, मलाई पनि खुसी लाग्छ। त त्यस्तै एउटा विचार गरेर कहाँ कहाँ मेरो आफ्नो मान्छे चिनाजाना छ उनीहरूलाई भेट गरिराख्छु। त ठिक है, नमस्ते माजी, नमस्ते। फिर आएंगे, आते रहेंगे आप, लेकिन पूरा मस्ती से जिएगा, आनंद से जिएगा। कोई कुछ बोले ना बोले कुछ परवाह मत कीजिए, आपको जो करना है करते जाइए। बेटा बेटी है, आपको खिला रहा है पिला रहा है, मस्ती से पकाइए खाइए, पूरा भगवान का नाम लेते चलिए। और कम से कम 20-25 साल तो आपको रहना ही है, ठीक है? बाय बाय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मलाई चिन्न भा? अच्छा 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 अच्छा। तब यो मेरो छोरी छोरी हजुर,
तपाईहरुको आशीर्वाद, तपाईहरुको दया, ठीक है। तो और आगे हम जाएंगे, अभी बनगुरुम साइड जाएंगे और दो तीन चार ऐसे जो बुजुर्ग है उन लोग से मिलने का मेरा, ठीक है। ठीक है, नमस्ते आंटी, बाय बाय बाय। चलिए उठिए, हाँ जल्दी 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 जल्दी, हाँ अभी हम लोग निकल पड़े हैं। ओके, आते रहिए। दोस्तों ये मेरा नानी है, कम से कम 100 साल हो चुके हैं, तो बहुत पहले अब यहाँ कुछ नहीं मुंडा, मिलन मिलन, हाँ तो अभी देख सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, मतलब बचपन में तो इस जगह पर मेरा पैदा हुआ है और इन लोग से मिले हैं, बचपन से ही मिलते आ रहे हैं, आज इनका उम्र 100 साल हो चुके हैं। तो अबे मारे दिन था सब तुम है तेहा पूरा सज न मोटामोटी बस अब तो कम जाए जथेष बस जाना हिसाब थाना थासान्ली जी जाबुबाय संसार को नुबुबाय नङा दा ईश्वर ने अन्नायाव दाबो मोजाङैनो दं थाबायनो हायो ना हाया एसे एसे हायो तो थोड़ा बहुत इधर उधर जा भी सकता है ये डंडा के सहारे का सीखे जन नंगना फिसाजो फिसाला तेरह जन तो बेटा और बेटी 13 बच्चों का माँ अभी 100 साल में पड़े हैं फिर भी बातचीत करने का पूरा होश है अभी भी ताकत थोड़ा है नहीं है बोल के नहीं है तो बात करते ही हमको पहचान लिया तो ठीक है ऐसे आते रहेंगे मिलते रहेंगे थैंक्स है भाई हैं ठीक है तो नानी से बाय करो ভালে আছে না মই যাই আছো বিভিন্ন জায়গাত ফুৰিব কাৰণে এনেকে চিনাকি মানুহবিলাকক লগ কৰি কৰি যাম বুলি আহিছো আপোনাকো চিনি পালো এক আখাৰ মাত দিম বুলি বাইকটো অলপ ৰখালো আৰু সেই যে আহি আছে মহিলাটো সিও মোক চিনি পায় মই অলপ দেখা পালো তেওঁ না হয় না তো মই মিলন হয় বুলি আপনি চিনি পাইছে না হ্যাঁ যদি নরখালো হয় চিনি নাপালি হয় কিমান বছর আগত লগ পাইছিল আমি তেতিয়া লগ মই সৰু আছিলোঁ তো লগ পালো দেখা পালো ভাল লাগিল অলপ কথা পাতলো নাকি তে এইখিনি কথা পাতার বিনিময়ত আমার নিশ্চয় মনত এটা ভাল লাগে নহয় জানো এতিয়া মনে মনে গুছি যাম পার হৈ যাম তয়ো ইমান ব্যস্ত বলে ময়ো ইমান ব্যস্ত আরে কত নো যাম কি নো করিম দুনিয়াত আইছো কিতিয়া ঠপককে মরি যাম না আসো আলে ঠিক আছে আপনালোক লগ পাই ভাল লাগিল হ্যাঁ যাও তো নমস্তে বাবা তো শুনতা কাম হে তো বাবা চিনলে মকে চিনলে হ্যাঁ চিনলে নাই চেনা থা উদালগুড়ি যে বিমল 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 ভাই মিলন 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 তো মই দেখতে আসলি তোকে ভেট করতে আসলি তো চল উঠেনে বস তোরা তো সবকো নমস্তে মাজি তো ইয়ে হাম ये माँ जी और बाबा जी को बहुत दिन से भेंट करने का बहुत इच्छा था मेरा तो इन लोगों को भेंट करने के लिए आज मैंने अपना टाइम निकाला तो ये बचपन से मैं इन लोग का घर में आया करता था जब मैं छोटा था तब आकर के जब समर वेकेशन होते थे सप्ताह भर यहाँ ही बैठ जाते थे तो इसी तरह उस टाइम में तो ये बाबा लोग पूरा हट्टा कट्टा था तो और मैं छोटा था तो आज लगभग 90 साल 80 साल इतना हो गया है तो ऐसा तो सबको एक दिन ऐसा ही होना है हमको भी एक दिन बूढ़ा होना है तो आज मैं
ये माँ जी से और बाबा से भेंट करने आया हूँ। अभी भी आप काम करते हैं? हाँ, तो एकदम गाय घास थोड़ा थोड़ा। हाँ, गाय के लिए घास तो लाना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए इस उम्र में भी काम करते हैं, तो यानी कि जबरदस्त मनोबल है। हाँ, काम करते जाएंगे जब तक ले इस दुनिया में रहेंगे, और कम से कम 30 साल तो आपको रहना है। आप कितना साल रहने चाहते हैं? हाँ, भगवान का इच्छा। आयुष्यवास कम से कम तो अपना भी तो एक इच्छा है, भगवान जितना दिन रखें। हाँ ठीक है, तो ये माँ जी है, माँ जी को थोड़ा दिखाओ, माँ जी से बात करो बेटी। ये मेरा बेटी भी आए हुए हैं, चलो बेटा प्रणाम करो माँ जी को। तो दोस्तों मैं यही आप लोग को कहना चाहता हूँ, अभी ये लोग बुजुर्ग है, उम्र बहुत ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी जो काम करने का जो मन में जो एक मनोबल है, बेटा बेटी बहुत है। देखिए ये परिवार है पूरा, ये सबसे बड़ा बेटा है, नमस्ते भैया। ये बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है मेरा भैया शंकर भैया, नमस्ते। और ये सब इनका फैमिली है। अच्छा बाबा, हमसे मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत दिन का बाद आपसे भेंट हुआ। अच्छा, अच्छा लगा आपको? मन में खुशी हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन में आनंद मिला कि नहीं? आप लोग तो अभी हमारा उदालगुड़ी में जा नहीं सकते हैं, कैदन मुलाकात होगा ना नहीं होगा बोलता रहा। अच्छा 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 अच्छा, आज मुलाकात होके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। और माँ जी आपको कैसे लगा? अच्छा लगा बेटा। देखिए दोस्तों, आपका भी अगर ऐसा कोई पुराना बुजुर्ग है जो आप बहुत दिन हो गया, आपका अभी फुर्सत नहीं है, मिलने का टाइम नहीं है, आप अपना काम में पूरा बिजी है, फिर भी आपको एक दिन टाइम निकालना है और आके उन लोगों से मिलना है, भेंट करना है, क्योंकि वो सब करने से आपको भी मन में बहुत आनंद मिलेगा, और ये बाबा जो है, ये जो है, इन लोगों को भी मन में इतना आनंद मिलेगा जो आप किस तरह में आपको मन का बात है, दिल का बात है, जो करते हैं उसको ही वो आनंद का महसूस होता है। तो चलिए दोस्तों और दूसरा जगह आप लोग को ले जाने का प्रयास करेंगे। ओके नानी जी, हमको तो पहचाना है। हाँ बाबा, कौन तो कर बुरा गुहारी। मेरा नाम बोलिए तो आप। मिलन। मिलन, अच्छा ठीक है। तो नानी जी, ये मेरा नानी जी, इनसे बहुत साल बाद भेंट हुआ। हम जब छोटा था तो इनसे भेंट करने आते थे, अभी हम ही बूढ़ा हो गया। ठीक है, तो नानी जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे। चाय चाय हाँ, चाय 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 पिएगा, चाय पिएगा, कोई बात नहीं, वो चाय का बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, चाय पिएगा, चाय पिएगा, ठीक है नानी जी। ओके भाई, चाय पी के जाएंगे। हाँ।
ठीक। आज ये कपूरपुरा का और अभी 84 इयर्स है और माजी भी है और माजी का लगभग 80 जैसा ही एज है दोनों। तो आज हम मिलने आए हैं গতিকে বেবাইদি লগে হমোবা যেন শান্তি মনে এসে আনন্দ মনে নতুন হব যদি বেবাইদি পুরানা মানুষ সেবাফর দোবা গাউনি খামানি গদর খালামনা দানো এসে টাইম দিহনানি লগে হমোবা গোসাও শান্তি মনগেন আপনি পাশে খাওলাইনে থাকবে। ওকে বাই বাই। তো আজ ঘর মে বেঠা বেঠা ওর এসি তারা ये लोग का अभी सुख जीवन ही है, दुख का कोई बात ही नहीं है, फिर भी मन को कैसा एक महसूस होते हैं और मन को आनंद देने के लिए कोई आके बैठ जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो खुश करना हम लोग का काम है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम लोग दोनों बाप बेटी बहुत मस्ती से घूमा आज, बहुत जबरदस्त मजा लिया। तो कैसे लगा बेटी? बहुत अच्छा। जो पुराना लोगों को हम लोग मिला, बहुत साल पहले जिससे भेंट हुआ था उससे भेंट किया और बेटी को भी भेंट करवाया और एक अलग किस्म का मजा आया। तो दोस्तों मैं यही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ऐसा मजा, बहुत अलग टाइप का मजा है, ये मजा से आपको दूर नहीं रहना है। आपका भी अगर कोई है, आपका भी अपना कोई है, तो आप भी जरूर आइएगा और मस्ती से भेंट कीजिएगा, उसको भी खुशी कीजिएगा, आप अपने आप खुशी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है एक बहुत बड़ा मजा और जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए होते हैं, लेकिन ये सब चीज का भी बहुत ही आवश्यक है जिंदगी में जीने के लिए। तो दोस्तों सबको सलाम, आप लोग जरूर ये वीडियो देखिएगा, चाहे तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हमें जीने के लिए ये सब चीज का बहुत ही आवश्यक है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।